विद्यार्थियों, आरसीएच बांसु की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट डे में आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि देखो, ये जो टॉपिक है परावर्तन वाला, ये इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा, बार बार टॉपिक आएगा, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है कि परावर्तन क्या है। क्योंकि इसके जस्ट बाद टॉपिक आने वाला है गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, तो इसलिए हमें पहले ये पढ़ना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या परिभाषा है परावर्तन की, कौन कौन से बिंदु इसमें काम आते हैं, ये घटना कैसे होती है, तो हमें इसको पहले पढ़ना जरूरी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे अपने से मान लें कि माना ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है, माना हमने यहाँ कोई पॉलिश कर दिया इसके ऊपर यहाँ पे, और ये जो पृष्ठ होता है इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जी हाँ, इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। इसको परिसीमा भी कहते हैं, इसको परावर्तक तल भी कहते हैं, इसको परिसीमा भी कहते हैं, इसको परावर्तक तल भी कहते हैं। तो हम हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है, हमने मान लिया, माना यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है जो यहां टकराती है, इसका कुछ भाग टकरा करके और इस तरह से इसी माध्यम में लौट जाता है। ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की नारी है, और हम इसके बीच में यहां कोई लंब डालते हैं जो कि विलंब कहलाता है। यहां जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं, आपतन कोण, और यहां जो कोण है उसको हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, परावर्तन कोण। और ये जो प्रकाश किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण के नाम जानते हैं, और ये जो किरण है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण। तो ये है इसमें बेसिक प्रकाश स्रोत है, माना यहां से प्रकाश की नारी है, ये यहां टकराती है, इसका प्रकाश का कुछ भाग टकरा करके इसी माध्यम में लौट जाता है। और ये परिभाषा है प्रकाश के परावर्तन की, क्या कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है आपतित किरण की, कि जो ये जो किरण है पहला हमारा बिंदु रहेगा आपतित किरण। फिर हम समझेंगे कि इसकी क्या परिभाषा रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमें एक एक बिंदु को समझना है। भाई परावर्तन बार बार सब कहा गया है, आपको नहीं पता नहीं परावर्तन क्या है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या है, तो इसलिए बेसिक जानकारी है इस टॉपिक में कि हमें समझेंगे कि ये बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा बिंदु आता है आपतित किरण। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे, कि ऐसी प्रकाश किरणें जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं या किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं उसे आपतित किरणें कहा जाता है, इसकी परिभाषा। नंबर हम जो भी बात करें परावर्तक किरण की, कि परावर्तक किरण क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है, इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रकाश किरणें जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है उन्हें परावर्तित किरणें कहा जाता है। हमारा तीसरा बिंदु आता है आपतन कोण।
कि भाई आपतन कोण क्या होता है, किसे कहते हैं आपतन कोण। देखो आपतन कोण की हम बात कर रहे हैं, कह सकते हैं कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। यह आपतन कोण की परिभाषा है, क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से सामान्यतः इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि भाई परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। हम परावर्तन कोण को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे हम बात करेंगे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, या परावर्तक तल किसे कहते हैं, या परिसीमा क्या है। तो जिस पृष्ठ पर प्रकाश से आपतित होता है या प्रकाश किरणें आपतित होती हैं उसे, उस तल को, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कहा जाता है। समझ गए क्या कि जिस तल पर, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं या टकराती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ या उसे परिसीमा या उसे परावर्तक तल कहा जाता है। ये परिभाषा हो गई परावर्तक पृष्ठ की, आपतित किरण की, परावर्तन कोण की और आपतन कोण की। देखो हम इसके बारे में छोटे से एक इसके दो नियम हैं, नियम पढ़ लेते हैं। इसके दो नियम हैं, यानी परावर्तन के नियम हैं, दो परावर्तन के नियम। अगर हम इसके फर्स्ट नियम की बात करें तो नियम इसका पहला क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब प्रकाश परावर्तन में आपतन जो कोण है उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। नियम दूसरा ये होता है, नंबर दो की बात करें कि भाई आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसका दूसरा नियम है। तो नियम पहला क्या हो गया कि आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का मान बराबर होता है इसके परावर्तन कोण के। और नियम सेकंड ये हो गया कि भाई जो आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें कोमा अभिलंब एवं परावर्तित किरणें, एवं परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये है कुछ बेसिक परिभाषाएं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये हम पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये मतलब परिभाषाएं बार बार चैप्टर में काम आएंगी। जैसे कि हमने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन, ये आपको पढ़ना भी है, इसको उतारना भी है, इसको याद भी करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी